नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पार्ट अवश्य देखते होंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक पढ़ा था। तो कल तक था कि भगवान महेश्वर का प्रतिदिन इस प्रकार ध्यान करें, उनकी अंग कांति चांदी के पर्वत की भांति गौर है। वे अपने मस्तक पर मनोहर चंद्रमा का मुकुट धारण करते हैं। रत्नों के आभूषण धारण करने से उनका श्री अंग और भी उद्भासित हो चुका है। उनके चार हाथों में क्रमशः परशु मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित है। वे सदा प्रसन्न रहते हैं, कमल के आसन पर बैठे हैं और देवता लोग चारों ओर खड़े होकर उनकी स्तुति कर रहे हैं। उन्होंने वस्त्र की जगह व्याघ्र चर्म धारण कर रखा है। वे इस विश्व के आदि हैं, बीज कारण रूप हैं तथा सबका मस्तक समस्त भयहर लेने वाले हैं। उनके पांच मुख हैं और प्रत्येक मुखमंडल में तीन तीन नेत्र हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि उनके चार हाथों में क्रमशः परशु मृग मुद्रा, वर एवं अभय मुद्रा सुशोभित हैं। तो अभय मुद्रा मतलब कि हाथ ऐसे करते हैं, तो वो उसको कहते हैं। जो कि राजनीति की अगर मैं बात करूं तो उसमें राहुल गांधी जी वो बोल रहे हैं कि अभय मुद्रा होता है ये, तो यही है। अब वो सही कह रहे हैं, तो मैं यही बताना चाहती थी। तो अब हम जान लेते हैं कि मैं ये पाठ क्यों कर रही हूं। तो ये पाठ है, शुभ काज है, मंदिर के लिए है, और चाहती हूँ कि आप लोग इसमें मेरा सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और राजनीति की बातों पर ज़्यादा मैं ध्यान नहीं देती हूँ, पर जो बीच की जो छोटी सी बात थी वो ध्यान में आ रही थी, वो मैंने बता दी है। तो यही है जो संधि का मैं वर्णन कर रही हूँ। संधि की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएँ कि आपको मेरा पाठ कैसा लगता है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपको मेरा पार्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। और मैं जवाब नहीं देती हूँ तो मैं लाइक ज़रूर करती हूँ आपके कमेंट्स को। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग कमेंट करते हैं। तो अब हम चलते हैं आज के पार्ट पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। अब है ये कि इस प्रकार ध्यान तथा उत्तम पार्थिव लिंग का पूजन करके गुरु के दिए हुए पंचाक्षर मंत्र का विधि पूर्वक जप करें। विप्र वरो विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे देवेश्वर शिव को प्रणाम करके नाना प्रकार की स्तुतियों द्वारा उनका स्तवन करें तथा शतरुद्रिय का पाठ करें। तत्पश्चात अंजलि में अक्षत और फूल लेकर उत्तम भक्तिभाव से निम्नांकित मंत्रों को पढ़ते हुए प्रेम और प्रसन्नता के साथ भगवान शंकर से इस प्रकार प्रार्थना करें। सबको सुख देने वाले कृपा निदान भूतनाथ शिव, मैं आपका हूँ। आपके गुणों में ही मेरे प्राण बसते हैं, अथवा आपके गुण ही मेरे प्राण और मेरे जीवन सर्वस्व हैं। मेरा चित्त सदा आपके ही चिंतन में लगा हुआ है। यह जानकर मुझ पर प्रसन्न होइए कि कृपा कीजिए शंकर, मैंने अनजान में अथवा जानबूझकर यदि कभी आपका जप और पूजन आदि किया हो तो आपकी कृपा से वह सफल हो जाए। गौरीनाथ, मैं आधुनिक युग का महान पापी हूँ, पतित हूँ और आप सदा से ही परम महान पतित पावन हैं। इस बात का विचार करके आप जैसा चाहें वैसा करें। महादेव सदाशिव वेदों पुराणों नाना प्रकार के शास्त्रीय सिद्धांतों और विभिन्न महर्षियों ने भी अब तक आपको पूर्ण रूप से नहीं जाना है, फिर मैं कैसे जान सकता हूँ? महेश्वर, मैं जैसा हूँ वैसा ही उसी रूप में संपूर्ण भाव से आपका हूँ, आपके आश्रित हूँ, इसलिए आपसे रक्षा पाने योग्य हूँ। परमेश्वर, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मुने, इस प्रकार प्रार्थना करके हाथ में लिए हुए अक्षत और पुष्प को भगवान शिव के ऊपर चढ़ाकर उन शंभू देव को भक्तिभाव से विधिपूर्वक साष्टांग प्रणाम करें। तदंतर शुद्ध बुद्धि वाला उपासक शास्त्रोक्त विधि से ईष्ट देव की परिक्रमा करें। फिर श्रद्धापूर्वक स्तुतियों द्वारा
देवेश्वर शिव की स्तुति करें। इसके बाद गला बजाकर गले से अव्यक्त शब्द का उच्चारण करके पवित्र एवं विनीत चित्त वाला साधक भगवान को प्रणाम करें। फिर आदर पूर्वक विज्ञप्ति करें और उसके बाद विसर्जन। मुनिवरों, इस प्रकार विधि पूर्वक पार्थिव पूजा बताई गई है, वह भोग और मोक्ष को देने वाली तथा भगवान शिव के प्रति भक्ति भाव को बढ़ाने वाली है। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। तो कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।